हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ का मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का रसायन शास्त्र का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जो विद्यार्थी साइंस से केमिस्ट्री लिए हुए हैं उनके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो 21 तारीख को आप लोग के एग्जाम में सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और नीचे जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, सारा का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पूरा आंसर और ये लॉन्ग का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना बनाना है आप लोगों को सब बता दिया गया है इस वीडियो में। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम तरफ में चलते हैं। देखिए, 1 से 30 तक प्रश्न रहेगा जिसमें से 25 बनाना है। मैं आप लोगों को 30 में 30 बताऊंगा, आप लोग जो मर्जी करें वो बना लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिखेगा। इसका आईपीएससी नाम पूछा जा रहा है, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पहला का डी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर देखिए, दिया गया है कि जैम डाई ब्रोमाइड का नाम पूछा जा रहा है। इसको स्ट्रक्चर में पूछा जा रहा है कि जैम डाई ब्रोमाइड का क्या होगा, तो दो का राइट आंसर ए हो जाएगा, सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन 2N हैलाइड है। 2N हैलाइड पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चार नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कौन सा हैलाइड है, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंजिलिक हैलाइड है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास जाएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहेगा, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंस डी एक्कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 6 का डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, 6 का ए हो जाएगा, BrCH2 और सिंगल वन CH2Br हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यह निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा? द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि एल्किल हैलाइड के द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम क्या है, तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, RF बड़ा हो, RCl से बड़ा हो, RBr और बड़ा हो RI। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी मारिएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है, आप लोग लाइक कर दीजिए और एग्ज़ाम में 100% यही क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग थैंक जरूर लिखिएगा, थैंक यू जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, कमेंट करते हैं तो आप लोग तो अच्छा लगता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो चलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेथेनॉल से, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर, कौन सा यौगिक क्षार और आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है, तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा। चलिए 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, दे दिया गया इस प्रकार से क्वेश्चन, तो इसका आंसर पूछा जा रहा है, तो 12 का ए हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर दे दिया गया है, 2RX+2Na और सूक्ष्म ईथर के साथ में जब गर्माया जाता है तो बन जा रहा है RR+2NX अभिक्रिया कहलाती है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो 13 का ए हो जाएगा, वुड्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वुड्स अभिक्रिया। चलिए 14 हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसका उत्तर पूछा जा रहा है, तो 15 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एसीटोन आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो चलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन E2 अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो E2 अभिक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है, तो 18 का सी हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया, देखिए एक ही वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताया जाएगा, सब्जेक्टिव भी एक ही वीडियो में बता देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फॉक्सजीन का कॉमन नाम क्या होता है,
तो 19 का सी हो जाएगा, COCl2 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन AgNO3 के साथ उजाला अवक्षेप देता है। एक बार आप लोग अपना जिला डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा कि आप किस जिला से देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए कमेंट में आप लोग को लिख देना है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम भी देखेंगे कि कौन कहां कहां से हमारा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, इस प्रकार से बेंजीन ClMgBr हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन आग बुझाने के काम में प्रयोग होता है, तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, CCl4। चलिए 22 का डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा तो दिया ही नहीं है, तो Br यानी ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत क्लोरीन किस में पाया जाता है, तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गेमेक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, Ar2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, किसका उपयोग फेऑन के रूप में जमा करने के प्रतिशत के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, CCl2F2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 27 नंबर, कि क्लोरोबेंजीन की व्यावसायिक तौर पर तैयार की जाता है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, रेक्सटिंग विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर दिया गया कि C6H6+Cl2 यहाँ पर UV के साथ पी बनाता है, इस अभिक्रिया में पी क्या है, तो पी क्या है, तो 28 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C6H6+Cl6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन चेतना शून्य करने वाली औषधि है, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन दिया, इसका IPSC नाम पूछा जा रहा है, तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिनॉल मिथेन हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए तो हमने 30 क्वेश्चन बता दिया ऑब्जेक्टिव का, अब सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए 11 से 15 तक सब्जेक्टिव दिया गया है, पहला नंबर 11 नंबर सब्जेक्टिव दिया गया यहाँ पर कि C5H11Br अणुसूत्र वाले यहाँ पर समवयव की रचना खींचिए, ठीक है, तो ये खींच दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर दे दिया गया। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 13 नंबर का उत्तर दिया गया है, 11 के बाद 13, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए, उत्पाद लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। दो अभ्यायी, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रोपेन के विभिन्न डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों की संरचना को लिखना है 14 नंबर में, ठीक है। शॉर्ट आंसर देखिएगा, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नहीं है, केवल लॉन्ग का है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए, 100% यही है, ठीक है। क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, देखिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाया है, पहला का बनाया है, उसके बाद में तीसरा का, उसके बाद में पाँचवा का यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीन शॉट आप लोग लेकर बना लीजिएगा। उसके बाद में छठा का यहाँ पर देख लीजिए, छठा का यहाँ पर आंसर दिया गया है, छठा का देख लीजिए पूरा का पूरा है। उसके बाद में 10वां का बना दिए, 5 को बनाना है, 5 बना दिए हैं। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में 14 का बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, 14 का देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 15 का बता दिए हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया, वीडियो का स्किप करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जुड़कर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरा नंबर है 6207-32720, इस नंबर पर आप लोग जुड़कर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाएं दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।